नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ ओप्पो F19s में आप यहाँ पे होम स्क्रीन की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये होम स्क्रीन है आपका, और इसकी सेटिंग करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग पे चले जाएंगे। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे आपको होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप इस पर क्लिक कर लेंगे। होम स्क्रीन सेटिंग पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका ड्रॉअर मोड आ जाता है। ड्रॉअर मोड यानी कि नीचे से स्क्रॉल करके जो आपकी एप्लीकेशन आती है ना, वो वाला ऑप्शन। स्टैंडर्ड मोड कर देंगे तो यहाँ पे आपकी पूरी स्क्रीन पे ही सारी एप्लीकेशन आ जाएंगी। ये वाला ऑप्शन आपका बंद हो जाएगा ना, जो नीचे से स्लाइड करते हैं कोई भी आप देख के, और यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा, और इसके बाद बैक कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे आइकन पुल डाउन जेस्चर का ऑप्शन देखने को मिलता है। ये वाला ऑप्शन अगर ऑन कर देते हैं तो किसी भी आइकन को आप ऐसे करेंगे तो आपका एक शॉर्टकट सा ऐसे खुल जाता है, मतलब छोटा सा टैब, और वन हैंड मोड टाइप का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इतनी ही स्क्रीन में आपका सब कुछ आ जाता है, तो वहीं से आप एक हाथ से यूज़ कर सकते हैं अपना फ़ोन, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आइकन ऑटो फिल को ऑन कर देंगे तो यहाँ से क्या होता है ना कि बच्चे आपका आइकन ऐसे टच करके इधर उधर मूव कर देते हैं या फिर डिलीट कर देते हैं, तो वो जगह खाली नहीं बचती, वो अपने आप ही भर जाती है, और जगह जगह खाली खाली आपको देखने को नहीं मिलता है, ये भर जाएगी अपने आप। और यहाँ पे होम स्क्रीन लेआउट आप चेंज कर सकते हैं। होम स्क्रीन पे आपके ऐसे चार चार खुले खुले एप्लीकेशन जो शो कर रहे हैं ना, आप चाहें तो यहाँ पे पांच पांच कर देते कर सकते हैं, या फिर इससे कम भी कर सकते हैं, तीन तीन कर सकते हैं। तो मैं चार रहने देती हूँ, और यहाँ से रो आप घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, मतलब ऐसे लाइन, और यहाँ पे आप देख लेंगे कैसे करना है। और यहाँ पे होम स्क्रीन लॉक कर सकते हैं। होम स्क्रीन लॉक करने से क्या होता है कि जो आइकन है वो आप, मतलब बच्चे होते हैं ना ऐसे टच करके उसको यहाँ से इधर से उधर रख देते हैं उठा उठा के, तो वो नहीं कर सकते, मूव नहीं होगा इसको लॉक करने से। अनलॉक कर देंगे तो मूव हो जाएगा आसानी से। और यहाँ पे स्वाइप डाउन का ऑप्शन जो होता है वो सर्च वाला होना चाहिए या फिर नोटिफिकेशन ड्रॉअर का, तो यहाँ नोटिफिकेशन ड्रॉअर कर देंगे। जैसे स्वाइप डाउन करेंगे तो नोटिफिकेशन ड्रॉअर खुलेगा। और इसके बाद यहाँ पे आप शो ऐप सजेशन बंद करके रखेंगे, और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन ऑन करके रखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एप्लीकेशन आप उसे डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, वो आपके होम स्क्रीन पे भी दिखती है और आपके ऐप ड्रॉअर में भी दिखती है, अगर आप इसे ऑन कर देंगे तो। और यहाँ पे एनिमेशन स्टार्टअप ऐप देख लेंगे कि कितना फास्ट खुलना चाहिए और बंद होना चाहिए आपका एप्लीकेशन, या फिर मीडियम या फिर स्लो। मैं फास्ट पे रहने देती हूँ। और ये रेस टू वेक का ऑप्शन है, जैसे कि आपका फ़ोन आप उठाते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है, तो रेस टू वेक आप ऑफ रहने देंगे हो सके तो, अगर ऑन करना है तो ऑन कर लेंगे, वैसे बहुत परेशानी हो जाती है ऑन करने से। और यहाँ पे डबल टैप करने से ऑन होती है ना जो स्क्रीन, वो वाला ऑप्शन है। जब आपकी स्क्रीन ऐसे रहेगी तो आप डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन की लाइट जल जाती है। और यहाँ पे लॉक स्क्रीन मैगजीन का ऑप्शन आ जाता है, जैसे ऑटो चेंज वॉलपेपर आप लगाते हैं ना ऐसे, अलग अलग आपको अलग अलग वॉलपेपर देखने को मिलते हैं जब भी आप अपना फ़ोन ऑन करते हैं इस टाइप से, तो वो वाला ऑप्शन है, ये ऑन करने से आ जाएगा। फ़िलहाल के लिए मैं बंद कर दूँगी इसको। और ये ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन है, ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले अगर आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे हमेशा आपकी स्क्रीन जब भी ऑफ रहेगी तो आपको ये ऐसे टाइम दिखाएगा, बैटरी परसेंटेज और नोटिफिकेशन वगैरह ये दिखाता है, डेट, नोटिफिकेशन और बैटरी। और अगर यहाँ पे आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर पावर सेविंग या शेड्यूल या फिर ऑल डे कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं इस पर ही रहने दूँगी। और जब भी आप अपनी स्क्रीन को ऑफ करे रखेंगे हमेशा, तो आपको ये ऐसे टाइम वगैरह शो करेगा आपकी स्क्रीन पे, इसको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कहते हैं। तो इस स्टेप से आप फुल सेटिंग कर लीजिएगा अपने होम स्क्रीन की। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।